अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ऑयल है, कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स तो आप सभी जानते हैं। कोकोनट ऑयल बालों के तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ पे मैं तकरीबन एक पाव के करीब कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस ऑयल की तैयारी में आपने फ्लेम को बहुत लो रखना है और सबसे पहला इंग्रेडिएंट आप लौंग लेंगे। लौंग का इन्फ्यूजन जब आप हेयर ऑयल में करते हैं तो जो आपके फॉलिकल्स होते हैं, जो बेबी हेयर निकालते हैं और टूट जाते हैं, वो बिल्कुल भी हेल्थी और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये इनको बहुत हेल्प करता है। लौंग आपके न्यू फॉलिकल्स को इम्प्रूव करता है, आपके बालों को शाइनी, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाता है। 15 से 20 अदद लौंग आपने इस कोकोनट ऑयल में डाल देने हैं और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। इस हेयर ऑयल का दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता है, जो कि मेरे पास यहाँ पे फ्रेश मौजूद है। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आप ड्राई कड़ी पत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते के दो बड़े लीव्स ले लिए हैं, इनको धोकर ड्राई करके मैंने इस ऑयल में डाल दिया है। इस हेयर ऑयल का तीसरा इंग्रेडिएंट मेथी दाना है। मेथी दाना के बारे में मैं जितना भी बोलूँ कम होगा। मेथी दाना आपके लाइफ प्लस बालों को लाइफ देगा। आपको जितना भी हेयर लॉस हो चुका है या आप बालों की रीग्रोथ चाहते हैं तो मेथी दाना इसके लिए बहुत बेहतरीन है। एक टेबलस्पून मेथी दाना इस हेयर ऑयल में मैं डाल रही हूँ। नेक्स्ट आपने कलौंजी लेनी है। ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। ये आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। एक टेबलस्पून इसमें मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ और अप्रोक्सीमेटली आप इसे 7 से 8 मिनट के लिए बहुत लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसके बाद आप इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि
अल्लाह हाफिज।